everyone, how are you all? Hope you all good. Welcome back to All In One Learning. Discuss करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। आगे के फर्दर क्वेश्चन भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर सेकंड क्वेश्चन इज सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, q plus 3 plus and 6q plus 5 where q is some integer। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की एक इक्वेशन थी उसको रिमाइंड करना है, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उससे कंपेयर करके आपको b और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो भी बोला यहाँ पे, जो कंडीशन बोले उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लीजिए लेट a b any positive integer okay। अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन लिखनी है। सो हम लिख सकते हैं बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी इक्वेशन होती है और इसकी कंडीशन है दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल, बट बी से क्या होगी, लेस, यानी बी से छोटी। अब यहाँ पे बी देखिए, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू 6q प्लस आर, दैट इज ये यहाँ पे ये आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आपको क्या मिल गई, b इज इक्वल टू 6 ओके। अब r मैंने क्या बोला है, 0 के इक्वल और b से छोटा होना चाहिए, तो r की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से r इज 0, अब b की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी होनी चाहिए, यानी 6 के इक्वल नहीं, तो 6 से छोटी कहाँ तक जाएंगे हम, 1 2 3 4 5, ये होगी r की वैल्यू। अब क्या करना, आपको जो भी कंडीशन बोली इसने उसको सोल्व कर देना है। अब देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे r की वैल्यू आपको सारी ये फुट करनी है और ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। r अगर हम 0 फुट करते हैं इसमें तो क्या आ गया हमारा, a इज इक्वल टू, और b की वैल्यू क्या है 6, तो 6q प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से 6q लिख सकते हैं, 0 को इनविजिबल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6q, और q का रिजल्ट 6। अगर कोई भी नंबर इस तरह से आता है 6 है, यानी कि ये इसका क्या है, मल्टीपल होता है ना। अगर आप 6q सोचते हैं, देखिए 6q यानी कि ये इसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल कोई भी हो गया, 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 12 18, इस तरह से। अब आप एक कंडीशन देखें, यहाँ पे ये क्या आ रहे हैं, सारे इवन आ रहे हैं ना, अभी मैं बताऊंगी इनका क्या रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए 6q ये क्या आ गई हमारी, दैट इज इवन कंडीशन आ गई, इवन। अब नेक्स्ट r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6q प्लस 1। अब देखिए 6q की वैल्यू क्या आ रही थी, इवन आ रही थी ना, यानी कि 6q आ गया हमारा, ये क्या हो गया इवन। इवन के अंदर कोई भी एक 1 ऐड करेंगे आप, इवन जैसे 2 है, 2 में 1 ऐड करोगे क्या आ गया 3, और ये क्या होता है और, 12 में ऐड कर लीजिए, ऐड क्या हो जाएगा 13 दैट इज ऑड, यानी कि ये कंडीशन क्या आ गई हमारी, हम इसके सामने लिख देंगे दैट इज ऑड। अब आर 2 पे देखिए, आर इज इक्वल टू 2, ए क्या आ गया 6q प्लस 2। अब 6q क्या था हमारा, इवन, इवन में 2 ऐड करना है, 2 में 2 ऐड कीजिए क्या आ गया 4 दैट इज इवन, 18 में कर लीजिए, 18 में 2 20 दैट इज इवन, यानी कि इवन नंबर में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, दैट इज इवन, ठीक है। इसी तरह से r इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 3 पे, ये क्या हो जाएगी 6q प्लस 3। अब 6q इवन हुआ, इवन में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा 4, 6q प्लस 4। इवन में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इवन 6q प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा ऑड, ठीक है। अब आप चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या बोला था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो फॉर्म हो रहे, इज इन द फॉर्म ऑफ दिस दिस दिस। अब देखिए ऑड कहाँ पे आ रहा है आपका, 6q प्लस 1 यस, और किस पर है 6q+3 और 6q+5 पे भी क्या आ रहा है कोड आ रहा है, तो हम यहाँ से ये 16 हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं any positive odd integer odd integer is in the form of 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये तो था एक इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका। एक डायरेक्ट तरीका है, क्या करना आपको शो ही तो करना है ना, दिखाना है कि ओड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में आएंगे। तो आप देखिए कोई भी ओड इंटीजर सोचिए, एक और इसका दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ, इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हो। और इंटीजर कोई भी सोचिए और यहाँ पे देखो बस आपको ये b तो फाइंड आउट करना ही होगा। b क्या है 6, यानी कि ये जो b होता है वो क्या होता है हमारा डिवाइजर होता है ना। और अब किसने क्या बोला ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड कीजिए। ऑड नंबर सोचिए कोई भी, 7 हो गया, 7 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा रिमाइंडर क्या है हमारा 1 आया, यानी कि 6 ये क्यू क्यू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये देखो एक तरह से क्या आ गया 6, ये डिवाइजर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 1। और सोचिए और नंबर 9 सोचिए क्या आ गया हमारा दैट इज 3। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए 6q क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। और सोचिए 11 6 1 क्या आ गया 5, यहाँ से क्या आ गया 6q+5 6q क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 5। तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑड नंबर्स लिए हैं मैंने, और 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो किस फॉर्म में आ रहा है 6q+1 q+3 और q+5। ये इसका डायरेक्ट सोल्यूशन था। तो आप दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया इसका सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The group are to march in the same number of columns. Same number of column में उनको group बनाने हैं। What is the maximum number of columns in which they can march? तो आपको maximum number, जब भी आपको इस तरह का question मिलेगा कि maximum पूछना है, मैक्सिमम पूछा, इट मीन्स आपको ऐसे से फाइंड आउट करना है। कभी बार ये कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं एलसीएम निकालना है एचसीएम। तो इसकी पहचान करने की सबसे बेस्ट यही है, मैक्सिमम आ जाए, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट इस तरह से आ जाए तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। अगर लीस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, तो आपको क्या मिनिमम आ जाए तो क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एचसीएम फाइंड आउट करेंगे। एचसीएम किसका नंबर्स क्या क्या दिख रहा है आपको 616 एंड 32। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमें क्वेश्चन में सोल्व क्या करना है टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए लिख दीजिए टू फाइंड मैक्सिमम नंबर, यानी कि ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा एचसीएम। तो टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव टू फाइंड HCF of 616 and 32। अब इनका HCF कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। लार्जेस्ट नंबर को अंदर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर को बाहर लेना है, ठीक है। 32 कितने पे गया दैट इज 1 पे, 32 ये क्या आ गया 9, यहाँ से 2 9 6 29 है तो 9 3 27 इसके आसपास आ रहा है। तो 9 पे हम करके देख लेते हैं, 9 2 18 1 27 और 1 28 कितना हो गया 16 8 दैट इज यहाँ 8 0 8 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया। अभी कंप्लीट नंबर हो गए थे, अब ये क्या हो जाएगा 32 डिविडेंड 4 = 32। यानी कि हमारा एचसीएफ क्या आया 8 आया। इसको यूक्लिड के अकॉर्डिंग भी लिख दीजिए बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। कैसे बताया था, सबसे पहले जो डिवाइजर डिविडेंड है वो, फिर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्या था 8। अब क्या था 32 डिविडेंड 8 डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और जिससे रिमाइंडर जीरो आ जाता है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ, यानी इससे ये नहीं जिससे डिवाइड करके जीरो आता है, तो 8 से डिवाइड करने पे आ रहा है ना, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, दैट इज 8. तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ columns they can march is equal to 8 columns. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर. ये था थर्ड क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको समझ आ गई? अगर कोई भी डाउट है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट रह रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है.